हेलो दोस्तों, आज है 19 नवंबर 2023 और आज फिर से हम लोग निकल रहे हैं घर से और देखते हैं कहाँ चलते हैं। आप लोगों को थंबनेल में तो मालूम ही मिल जाएगा कि क्या दिखाने जा रहे हैं हम लोग आप लोगों को। तो चलिए हम लोग के साथ रहिए। तो आ चुके हैं लोकल ट्रेन स्टेशन में आके बैठे और जा रहे हैं अभी बेलापुर उतर के लोगों को नया जो ट्रेन जर्नी है हम लोग का उनके साथ रहिए। अभी नवी मुंबई का जो नया मेट्रो लाइन चालू हुआ है वो देखने के लिए, वो दूर से दिखता रहेगा आप सब लोगों को। ये जा रहा है आपका बेलपड़ा स्टेशन और ये दाइए ये लाइन पूरा जा रहा है सीधा बेलापुर की तरफ और उस तरफ जा रहा है आपका तालुजा की तरफ। तो ये वाला सफ़र हम लोग करेंगे। ये देखिए हम लोग आ चुके हैं अभी बेलापुर स्टेशन की तरफ और वो देखिए दूर से ये दिख रहा है आप लोगों को अभी मेट्रो का जो एलिवेटेड लाइन है नवी मुंबई मेट्रो लाइन नंबर 1, वहाँ से हम लोग आज सफ़र करेंगे। सफ़र करके आप सब लोगों को दिखाऊंगा कि नवी मुंबई मेट्रो का सर्विस कैसा है और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये सब कुछ ये ब्लॉक के अंदर रहेगा। और भी क्लियरली दिख रहा है यहाँ से। ये हम लोग पहुँचने वाले हैं अभी बेलापुर स्टेशन में और यहाँ से लेंगे हम लोग ये वाला मेट्रो लाइन और आप सब लोगों को सफ़र करेंगे। आज है 19 नवंबर 2023। पहुँचने वाले हैं हम लोग, दूर से जा रहा है एक मेट्रो, वो देखिए 3 डब्बा का मेट्रो है। इस मेट्रो में हम लोग सफ़र करेंगे आज। ये चला गया मेट्रो तालुजा की तरफ जा रहा है बेलापुर स्टेशन से छोड़ के। तो ये बेलापुर स्टेशन का मेट्रो का स्टेशन है। ये हम लोग गुजरे अभी लोकल ट्रेन में से और उस स्टेशन में जाएंगे, वहाँ से पकड़ेंगे मेट्रो रेल। तो चलिए हम लोग के साथ और मेट्रो रेल का सफ़र का मज़ा लीजिए। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अभी लोकल ट्रेन का स्टेशन में। ये देखिए बेलापुर स्टेशन। ये बेलापुर स्टेशन से हम लोग सबवे से अभी उतरेंगे। अभी सब उतरने के बाद हम लोग अभी बेलापुर स्टेशन का सबवे से दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं हम लोग चढ़ गए अभी अभी जा रहे हैं हम लोग बेलापुर स्टेशन का नवी मुंबई का फर्स्ट मेट्रो में जर्नी करने के लिए। ये आ गए हम यहाँ पे। देखिए दोस्तों लिफ्ट भी है, लिफ्ट में भी जा सकते हैं आप। और यहाँ पे क्या बोलते हैं अभी अंदर हम लोग टिकट काउंटर की तरफ जा रहे हैं अभी, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह भी है सब कुछ। हाँ देखिए दोस्तों ये कहाँ से कहाँ तक के लिए, हाँ ठीक है मिले लो ना, कहाँ से कहाँ तक के लिए जा रहा है। बेलापुर से चालू हो रहा है जाके लास्ट में जाके पिंडा है। आप लोगों का दिखा देता हूँ, बेलापुर से चालू हो रहा है लास्ट में जाके ये लगा पिंडा। ये फेयर भी लिखा हुआ है, देखिए पहला फेयर है 10 रुपया से लेके चालू करके 40 रुपया तक। तो कैसे आगे अंदर का पोर्शन है, अभी सिर्फ अभी रिटर्न शुरू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ सिंगल टिकट आप निकाल सकते हैं और यहाँ पर ये टोकन देते हैं, ठीक है। ये टोकन आपको यूज करना है एंट्री करने के लिए। चलिए चलिए अंदर का पोर्शन देखा जाता हूँ। यहाँ पे सीढ़ी भी है ऊपर में जाने के लिए और एस्केलेटर भी है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी एस्केलेटर में,
भी हम लोग एस्केलेटर चढ़ गए। ये देखिए और एक ट्रेन आ चुका है। हाँ ये देखिए ट्रेन आ चुका है और ये ट्रेन में हम लोग सफ़र करेंगे अभी। ये देखिए 3 डब्बा का ट्रेन है, सुपर से 3 ही डब्बा का ट्रेन है। ये आ चुका है, अभी हम लोग एंट्री करेंगे। तुम जाओ फिर एंट्री करो। আমি যাবো, আমি গিয়ে এন্ট্রি করবো। अभी एंट्री कर रही है, ऊपर दिखा देता हूँ कहाँ से कहाँ तक का है लिखा हुआ। बिलासपुर से चालू हो रहा है RBI कॉलोनी, बेलपाड़ा, उत्सव चौक, केंद्रीय विहार, कारगर, सेंट्रल पार्क, पथपाड़ा, अमन दूत, पिथारी, तालुजा, पेंडर। ये कैसा है अंदर से? ये देखिए ये अगला क्या क्या लिखा है। देखिए नवी मुंबई मेट्रो NMM सीट बुक, बेलापुर टर्मिनल डोर, ये सब कुछ लिखा हुआ है। माइंड द गैप, दरवाज़ा बंद होगा। यहाँ पे पहला वाला डब्बा के सामने मैं खड़ा हूँ, वहाँ पे दूसरा एक मेट्रो आगे खड़ा हुआ है। और वहाँ पे और सिग्नल होने के साथ साथ ही ये छोड़ देगा। नहीं, अभी तक शायद सिग्नल नहीं हुआ है। इस साइड पे मैं दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत, ये पहला वाला डब्बा है। तो प्लेटफॉर्म इस तरफ है करके, इस तरफ का ही खुला हुआ है दरवाज़ा, इस तरफ का दरवाज़ा खुला नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड का दरवाज़ा खुला हुआ है। ये पूरा बाहर का पोर्शन थोड़ा दिखा देता हूँ आप सब लोगों को। ये सा आ गया सेकेंड डब्बा में, सेकेंड डब्बा में से जा रहे हैं। कैसा लगा? फर्स्ट पहली बार जा रहे हैं? पहली बार जा रहे हैं मेट्रो में? ये वाला नवी मुंबई का? अच्छा अच्छा ये देखिए पहला डब्बा में आ चुके हैं हम लोग। लिखा हुआ है बेलापुर टर्मिनल और ये रहा। और ये रहा आपका तो पहला वाला। चलिए अपने सीट पे जाके बैठते हैं। ये हम लोग घूम रहे हैं अभी मेट्रो, नवी मुंबई मेट्रो के अंदर में। ये मेट्रो दोस्तों शुरू हुआ था 17 नवंबर 2023 को, आज है 19 सितंबर 2023। चलिए गेट कैसे बंद हो रहा है? ये गेट बंद हो गया, अभी चालू होने वाला है। ये चालू हो गया। आज अभी टाइम हो रहा है
4:20 शाम का, और तारीख है 19 नवंबर 2023। बेलापुर स्टेशन से हम लोग निकल चुके हैं, लास्ट स्टेशन तक जाएंगे पिंडा, वहाँ से फिर से बैक करेंगे। ये जॉय राइड जैसे है तो उनके साथ रहिए और ये जॉय राइड का एंजॉय करेंगे। थैंक यू। और ज़रूर मेरा ये चैनल है लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे साथ रहिए, ये जॉय राइड का एंजॉय कीजिए। लोगों को दिखा देता हूँ बाहर का थोड़ा नज़ारा, ये नीचे से हाईवे जा रहा है मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे का, वो देखिए सबरमन लोकल ट्रेन सब खड़े हुए हैं वहाँ पे बेलापुर स्टेशन में, और ये सामने और एक स्टेशन हम लोग का आ रहा है। इधर का पोर्शन थोड़ा दिखा देता हूँ आपका, फुल दिल्ली ट्रेन खालगढ़ का सामने आ रहा है, खालगढ़ और बेलापुर के बीचों बीच। और ये आ गया दोस्तों पहला स्टेशन, निकल के स्मूथ राइड है एकदम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये दरवाजा ओपन होगा इस तरफ में, RBI कॉलोनी स्टेशन का नाम है। ये देखिए सीनिक ब्यूटी, देखिए यहाँ से क्या सीनिक ब्यूटी है, देखिए ये नीचे से क्रिक जा रहा है, इसका सीनिक ब्यूटी देखो, कम दिस साइड सीनिक ब्यूटी देखो, ठीक है, ये सीनिक ब्यूटी आपको किधर नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है, ये जो सीनिक ब्यूटी है दोस्तों किधर भी नहीं मिलेगा देखने को, ये जो सीनिक ब्यूटी है किधर भी देखने को नहीं मिलेगा। वाओ क्या ब्यूटी है नेचर, और ये नेचर को हम लोगों ने क्या क्या कर रहे हैं। देखो ये हम लोग पहुंचने वाले हैं अभी सामने बेलपड़ा स्टेशन के तरफ, चलो आ गया अभी बेलपड़ा स्टेशन। मुंबई में ये नवी मुंबई वाला पहली बार कैसा लग रहा है आपको? अच्छा किधर से आ रहे हो? अच्छा मुंबई से आ रहे हैं, ये स्पेशल ये चढ़ने के लिए आ रहे हैं? अच्छा अच्छा मैं उधर, अच्छा रहने के लिए उधर ही है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मेट्रो का तो जरूरी था, गवर्नमेंट की कुछ दिक्कत की वजह से नहीं हो रहा। हाँ अभी हो गया, अभी हो गया, अभी आप लोगों के लिए बहुत सुविधा हो गया। और एक खासियत ये है कि जो जो स्टेशन अभी चला गया वो सब स्टेशन को अभी इन लोगों ने हर दिन का चल रहा है, और जो स्टेशन बाकी है वो नीला रंग का चल रहा है। देखिए ये चला गया जो स्टेशन वो हरा रंग का है, जो स्टेशन आने वाला है वो नीला रंग का। दोस्तों वाले अभी पिंडर जो फाइनल स्टेशन है, लास्ट स्टेशन है उधर में, उधर में उतर के दिखाते हैं। फाइनली हम लोग उतरने वाले हैं अभी पिंडर, आ गया पिंडर। देखो यहाँ पे भी एस्केलेटर लगा हुआ है, वहाँ पे हम लोग जाएंगे।
पहले ले हम लोग आ चुके हैं पिंडा स्टेशन में, अभी हम लोग निकलेंगे, निकल के फिर से टिकट निकालेंगे, टिकट निकल के फिर से हम लोग बेलापुर वापस आएंगे। तो चलिए रिकवर कुछ हाँ डाल दो। आ चुका है पिंडा टिकट काउंटर, देखो जीपे की है पिंडा से शुरू हो रहा है ये बेलापुर तक। ये देखो जा रहे हैं बैठ जाते और दोस्तों अभी आप लोग बैठे हैं नवी मुंबई का पहला मेट्रो में और पिंडा स्टेशन से अभी हम लोग बैठे हैं वापस जा रहे हैं पिंडा स्टेशन से बेलापुर की तरफ। तो मैं पूछ रहा हूँ आपको कैसा लगा पिंडा से बेलापुर, बेलापुर टू पिंडा और पिंडा टू बेलापुर का ये सफ़र हम लोग कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा है, नवी मुंबई के लिए पहला मेट्रो है तो लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मतलब रेगुलर लोग जो ट्रैवल करते हैं मेनली ये जो तलोजा और पेंडर साइड का पॉपुलेशन है उनके लिए नॉर्मल ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए मेट्रो बहुत अच्छा है डेली ट्रैवल के लिए और इससे इन फ्यूचर और ज़्यादा बढ़ेगा मेरे को लगता है। और फैसिलिटी के हिसाब से बहुत अच्छा है, ट्रैवलिंग के हिसाब से भी बहुत सेफ एंड कंफर्टेबल जर्नी है। ये तो गर्मी में तो बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर मुंबई में यहाँ का टेम्परेचर जो है वो हमेशा मतलब साल में 8 महीना गर्मी रहता है, तो उसके हिसाब से लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ट्रैवलिंग। ओके चलो थैंक यू वेरी मच। हम लोग पहुँचने वाले अभी बेलपरा स्टेशन, पेंडर से चढ़े बेलपरा स्टेशन पहुँचने वाले हैं, उसके बाद थोड़ा टाइम पे पहुँच जाएंगे बेलापुर। सो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं अभी बेलापुर जो टर्मिनल है वहाँ पे ही थोड़ा टाइम पे हम लोग पहुँच जाएंगे बेलापुर टर्मिनल। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है ट्रैवल एंड तड़का, पूरा कैपिटल में है। बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ये देखिए बेलापुर स्टेशन आ चुके हैं और ये दरवाज़ा ओपन हो रहा है।